देश दुनिया के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अनुसंधान के मुताबिक कोरोना संक्रमण की पहली लहर बुजुर्ग व्यक्ति पर, दूसरी लहर जवान व्यक्ति पर और अब तीसरी लहर बच्चों के लिए सर्वाधिक घातक होने का दावा किया जा रहा है, जो कि निश्चित ही चिंतनीय और भावनाओं से ओतप्रोत विषय है। शोधकर्ताओं के आकलन अनुरूप पहली लहर ने बच्चों और जवानों से ज्यादा बुजुर्ग लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। उस पहली लहर में जीवित हानि की मात्रा कम थी, मगर दूसरी लहर ने देश के लगभग हर हिस्से में कहर बरपाते हुए हजारों जिंदगियां ले ली। जवान लोगों का बेवक्त चले जाना उनके परिजनों सहित दोस्त मित्रों के जीवन भर सालता रहेगा, सताता रहेगा। अमरावती जिले सहित अचलपुर तहसील में इस संक्रमण की दूसरी लहर ने तौबा नुकसान कर डाला। काफी मशक्कत के बाद जैसे जैसे हालात सुधरने की ओर बढ़ चले हैं, मगर फिर भी जिले और अचलपुर तहसील में फिलहाल दूसरी लहर नियंत्रित होने का दावा जल्दबाजी होगा। बीते दो दिन में अमरावती जिले सहित अचलपुर तहसील में संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी कमी देखने को मिल रही है। 18 मई को जिले में कुल 798 संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अचलपुर तहसील के कुल 118 मरीज का समावेश था। 19 मई को जिले में कुल 701 मरीज संक्रमित पाए गए। वही अचलपुर तहसील में यह आंकड़ा काफी घट गया। अचलपुर तहसील में कुल 63 मरीज संक्रमित पाए गए। ऐसे ही घटता क्रम जारी रहने से हम आगामी कुछ ही दिनों में नीलबटा सन्नाटा का मुकाम हासिल कर सकते हैं, मगर इसके लिए हम सभी को पहले से ज्यादा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। अब रहा तीसरी लहर का सवाल, तो इसके लिए हमें सिर्फ सचेत ही नहीं रहना होगा, बल्कि इसके बचाव से समय से पूर्व ही संसाधन भी खोजने होंगे, ताकि समय पर किसी भी स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में हमारे अतिप्रिय बच्चों का जीवन किसी खतरे में ना पड़े। चूंकि शोधकर्ताओं के मुताबिक तीसरी लहर का सबसे घातक परिणाम बच्चों पर होने की संभावना है। तीसरी लहर कब आएंगी अथवा आएंगी या नहीं, इस बात पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, मगर कुछ शोधकर्ता अक्टूबर या नवंबर में इसके आने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में हमें हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए भी अभी से तैयार हो जाना है। अभी से बच्चों को कोरोना नियमों का अभ्यास करवा देना है, ताकि दूसरी लहर में हमें जो भुगतना पड़ा वह तीसरी लहर में ना भुगतना पड़ सके। चूंकि यह सवाल बच्चों का है और हमें किसी भी कीमत पर उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से सतर्क, चौकन्ना और तैयार रहना ही होगा। जय कुमार घिया के साथ पंकज साबू, विदर्भ न्यूज अचलपुर।